गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आज है 27 एंड कल हम निकल रहे हैं बूट कैंप के लिए। तो आज सारी तैयारियां करनी है, बैकपैक करनी है, जो भी कुछ बचा है काम वो करना है। तो अभी मैं जा रहा हूँ बाहर, इस्त्री को कपड़े दिए थे मैंने, वो कपड़े लाने हैं, फिर वो बैग में पैक करने हैं, बाल काटने हैं, मेरे को थोड़े बाल बड़े हो गए, दाढ़ी भी करनी है, तो अभी वो करने जा रहा हूँ, इस्त्री और दाढ़ी। तो यस, इसी के साथ 27th का स्टार्ट हुआ है। अभी मैं उठा हूँ शायद आधे पौने घंटे पहले, मम्मी घर पे नहीं थी, मम्मी अभी घर पे आई है, तो मम्मी गाड़ी लेकर गई थी तो मैं सुबह बाहर नहीं जा पाया। सो यस, मम्मी आ गई है, अभी निकलते हैं घर के बाहर, लेते हैं इस्त्री का कपड़ा, करते हैं दाढ़ी और कट, एंड मिलते हैं तुमको वापस घर पे। या लेट्स गो। सलोन में तो आ गए, सोच रहा हूँ बाल रहने दूँ, थोड़े से ठीक कर लूँ बाल और दाढ़ी क्लीन कर लूँ। सो यस, दिस इज माय बिफोर, दिस अभी आफ्टर देखते हैं। चलो भाई, अपना दाढ़ी तो हो गया, कुछ इतना डिफरेंस तो नहीं है जिसके मैंने 100 रुपये दिया, बट चलो कोई ना, थोड़ा क्लीन लग रहा है, थोड़ा क्लीन लग रहा है। लाइक ये देखो, ये उसने क्लीन किया, ये क्लीन किया, थोड़ी मूछे ट्रिम की, ये क्लीन, ये क्लीन, नॉट बैड, नॉट दैट गुड, बट चलो ठीक है, कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा, थोड़ा क्लीन लुक ब्लॉग के लिए, नहीं तो चलता है वैसे भी। अभी जाते सीधा इस्त्री का कपड़ा लेने, चलो। सो दिस इज द इस्त्री का दुकान गाइस, जहाँ पे अपने इस्त्री देते हैं। अभी देखते हैं रेडी है कि नहीं, कपड़े रेडी नहीं हुए हैं, भैया बोले 7:30 बजे तक आ जाओ शाम को, तो या अधूरा काम हुआ है। तो अभी एक्चुअली एक और काम है करने के लिए, वो कर लेते हैं, वो काम मैं भूल गया था कि मुझे वो भी करना है, तो अभी वहाँ जाते हैं और वो काम कर लेते हैं। चलो दिखाते हैं तुमको क्या काम है। तो मैंने जो काम बोला था कि मेरे को जो काम करना है वो है, सोच रहा हूँ ले लूँ पैकेट्स बहुत सारे, क्योंकि पता नहीं ये बहुत टेस्टी लगता है। जो पुणे में रहते हैं उनको पता ही होगा बाकरवाड़ी का सीन, चितय बाकरवाड़ी, दे आर वेरी फेमस। सो थोड़े से स्नैक्स लेने का मैं सोच रहा था, ट्रेन में अभी हम जा रहे हैं, वैसे हम बूट कैंप राजधानी एक्सप्रेस से जा रहे हैं कल शाम को, मतलब आज 27 है तो हम 28 की शाम को राजधानी से बूट कैंप जा रहे हैं एंड हम पहुँचेंगे 29 की सुबह। तो सोच रहा हूँ ये ले लूँ, देख दो अभी क्या क्या लेना है। बाकरवाड़ी तो हो गया, ये बड़ा पैकेट लग रहा है, ये एक बड़ा पैकेट, दो बड़े पैकेट ले लेता हूँ फिर। यस, आई डोंट नो इफ यू हैव एवर ट्राइड दिस बिस्किट और नॉट गाइस, बट ये फ्रूट बिस्किट्स, ओ माय गॉड, दीज आर सो टेस्टी गाइस, यू शुड ट्राई देम, यू शुड ट्राई दीज। एंड फिर थोड़े बिस्किट्स लाइक हाँ, ये कभी भी खा सकता हूँ मैं वैसे, दिस इज़ माई फेवरेट बिस्किट, सबका फेवरेट बिस्किट यही होगा। ऑल्सो मेरे को इधर मेरा फेवरेट डिओड्रेंट मिला है, अगर किसी ने यूज़ नहीं किया ना वॉयज, तो यूज़ करके देखो, वॉयज, वॉयज, वट एवर इट इज़ कॉल्ड, आई डोंट नो हाउ इट्स प्रोनाउंस्ड, बट ये बहुत अच्छा है, दिस इज़ वेरी गुड, ट्राई दिस, महंगा है थोड़ा लेकिन इट्स वर्थ। और कुछ तो याद नहीं आ रहा कि कुछ लेना है कि नहीं, जितना था उतना तो उठा लिया है, कुछ और है क्या लेने जैसा जिसकी मुझे ज़रूरत है, याद नहीं आ रहा यार, सच में समझ नहीं आ रहा है। सो अपेरेंटली गाइस, माई डॉग नोज वेन टू टेक अ बाथ एंड मेरी मम्मी अभी आपको दिखाएंगी कि ये कैसे होता है। हियर इज चिकू, हियर इज माई मॉम, जा रही है मम्मी बाथरूम के अंदर एंड मम्मी बोल रही है चल नहाने, एंड देयर ही गोज इनसाइड, अंदर जाके बैठ जाता है भाई, बैठ जाता है, ये देखो ही इज रेडी टू टेक अ बाथ, वो नहाने के लिए रेडी है, चलो गेट रेडी, गुड बॉय। हाँ दिस इज अ टॉय, इट्स हिज टॉय, यस यस यस,
हाँ वो, अरे ये क्या लाड़ है भाई। हाँ नाउ ही इज रेडी। यस सो कुछ ऐसा हमारे घर में चलता रहता है, तो अभी इसको नहाना है, लेकिन ही वोंट बी एबल टू हैव अ बाथ राइट नाउ क्योंकि वो कल घर से बाहर जा रहा है। वो मैं तुमको बताऊंगा कल से वो क्यों जा रहा है। चलो अभी बजे हैं 7 और मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं बाहर चला जाऊँ, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा लेट करूँगा तो पता नहीं शायद YouTube स्ट्रीम थोड़ा डिले हो जाए। सो यार लेट्स नॉट टेक द रिस्क एंड अभी हम बाहर जाके आते हैं, खरीद के आते हैं ऋषभ और बाकियों के लिए थोड़ा सा स्नैक्स एंड लेके आते हैं मिस्त्री के कपड़े। या लेट्स गो। ऋषभ की वजह से हमको यहाँ फिर से आना पड़ा गाइस। ऋषभ बोला उसको और 2 बकरवाड़ी के पैकेट चाहिए, उसको भी बकरवाड़ी के पैकेट चाहिए, तो मैं वही उसी शॉप में आऊँ जहाँ मैं दोपहर को आया था। अभी यहाँ से फटाफट हम ले लेते हैं 2 पैकेट बकरवाड़ी के। चाबी तो मैंने निकाल ली, चलो अंदर चल के ले लेते हैं फटाक से। ऐसे ही माउथ फ्रेश रखने के लिए 2 च्युइंगम्स के बॉक्स लिया है। तो कितना हो भैया, 450 और 100? 550 हो गया। तो अभी आ गए इस्त्री वाले के पास, फटाफट कपड़े उठाते हैं और निकलते हैं हम वड़ा पाव लेने। भैया कपड़े रेडी है? रेडी हो गए भाई कपड़े। और वैसे अभी मैं बाहर जा रहा था तो मम्मी मेरे को बोली कि रात को खाने के लिए वड़ा पाव लेके आ, और यहाँ हमारे अजमेरा में एक बहुत फेमस वड़ा पाव वाला है, मैं तुमको लेके जाता हूँ वहाँ पे। वहाँ से हम लेंगे 7-8 वड़ा पाव। 7-8 इसलिए क्योंकि उसके बड़े बहुत छोटे हैं, तो 2 वड़ा पाव में ना पेट नहीं भरता। ये कपड़ा लेंगे और निकलेंगे हम वड़ा पाव वाले के पास। तो अभी आ चुके हैं वड़ा पाव खरीदने एंड दिस इज़ द शॉप गाइस जहाँ से वड़ा पाव लेता हूँ मैं। लाइक इनके जो वड़े में है ना, टेस्ट बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट है। लाइक आई हैव ईटन बहुत सारी जगह, लेकिन इनका जो टेस्ट है ना बहुत डिफरेंट है। एंड ऑल्सो यहाँ पे जो पाव मिलता है ना, उसके अंदर वो एक चटनी लगाते हैं, रेड वाली और ग्रीन वाली, लेकिन इट्स अ बिट डिफरेंट फ्रॉम दैट नॉर्मल सामोसा कचौरी वाला रेड चटनी। एकदम गरम गरम वड़े जस्ट बन रहे, देखो दादा। 2 पाव मध्ये चटनी आ, बाकी 8-6 नॉर्मल। चलो वड़ा पाव तो रेडी हो रहा है, अभी घर जाएंगे और खाएंगे मम्मी के साथ, फिर बैकपैक करने बैठ जाऊंगा। कपड़े तो आ गए, फटाफट बैकपैक करनी है, बाकी सारी एक्सेसरीज जो भी डिओड्रेंट्स वो सब ध्यान में। लाइक थोड़ा टाइम लगता है ना सोचने में कि क्या क्या भूल गया हो मैं, क्या क्या लेना है, कुछ कुछ चीज़ें क्लिक नहीं होती फटाक से पैकिंग के टाइम, एंड में होती है। तो जितना पॉसिबल हो पाए सब कुछ अभी पैक करना है, सुबह एक बार हम चेक करेंगे निकलने से पहले क्या है क्या नहीं। अभी एक और मुश्किल आ गई गाइस, अभी मैंने स्नाइपर का ये टेबल लिया है बैग भरने के लिए, अभी मैं बैग भरने वाला हूँ। तो जनाब हमारे इस खुर्जी पे चढ़े और अभी इस वाले टेबल पे आके बैठे हैं, पता नहीं इनको टेबल से क्या परिश को इसको क्या प्यार है, टेबल पे आके बैठ जाता है पागलों जैसा। हाँ ये तो तीर तीर रखने के लिए तो दिए, बॉयलर साला बैठ गया टेबल पे, देख रहा है अभी टीवी देख रहा है, इधर टीवी देख रहा है, बस खत्म। अभी हम भर लेते फटाफट हमारी बैग। सो गाइस अभी मैं लोगों की स्ट्रीम खत्म कर चुका हूँ। 28 तारीख को मेरे को 2 घंटे लोगों की स्ट्रीम करनी थी, तो अभी मैं 12:30 से 2:30 बजे तक बैठा लोगों पे, अभी 3 बज चुके हैं। व्लॉग का सारा पार्ट रेडी हो चुका है, ये आखिरी क्लिप है व्लॉग की, बैग पैक हो चुके हैं, सारा सामान ले लिया है हमने, एवरीथिंग इज़ रेडी। अभी सोने जाऊँगा मैं इन 10-15 मिनट्स, सब रेडी है। सुबह मेरे को बस चार्जर और ये सब डालना है, पावर बैंक, एलगाटो, गोप्रो, ये सब मेरे को बैग में रखना है, एंड उसके बाद आई एम रेडी टू लीव। सो यस अभी मिलते हैं हम आपको अगले व्लॉग में। ये एक ही व्लॉग था गाइस, ये ट्रायल व्लॉग था ये, ट्रस्ट मी, तुम इसको कुछ भी, दिस वॉज नोवेयर नियर प्रोफेशनल, ठीक है, नॉर्मली जो मेरे को करना था मैंने तुमको दिखाया,
कल का जो व्लॉग होगा एकदम प्रॉपर व्लॉग होगा, टाइम टू टाइम सब कुछ मैं तुमको दिखाऊंगा एकदम प्रॉपर वे में। सो यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द व्लॉग। जिन जिन लोगों ने लाइक नहीं मारा प्लीज लाइक मार देना, कॉमेंट वॉट आई शुड इम्प्रूव इन द व्लॉग्स, कॉमेंट योर फेवरेट पार्ट, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।